हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं सेवन्थ क्लास के लिए चैप्टर नंबर थ्री। चैप्टर नंबर थ्री का नाम है डाटा हैंडलिंग और एक्सरसाइज करें 3.1 क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है जरा ध्यान से देखिए। द रेनफॉल इन एमएम इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। कि किसी सिटी के अंदर जो बारिश हुई, रेनफॉल हुआ 7 दिनों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, किसी वीक के 7 दिन हैं उसके अंदर रिकॉर्ड किया गया है। ये नीचे जैसे दे रखा है। तो जब बारिश होती है तो इसका एक वेसल होती है जिससे मेजर कर सकते हैं कि कितनी बारिश हुई है, वे कितने एमएम हुई है, कितनी सेंटीमीटर हुई है। सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, है ना। तो वो नोट डाउन किया हुआ है और हमें क्या करना है, वो ये टेबल के अंदर दे रखी है आपको। और अगर मान लिया कि बहुत सारी वैल्यूज है, जैसे हमने कोई किया था ऐसा सम, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी ना, वैसे ही फिर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ती है। लेकिन यहाँ आपको ये मिला हुआ है टोटल, ये है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत कम डाटा है ना, ज़्यादा हो तो बनानी पड़ती है। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। अब इसमें कोई नहीं कह रखा आपको कि मिनिमम निकालो, मैक्सिमम निकालो। अब आप समझ चुके हो कि भाई रेंज निकालनी है तो मैक्सिमम और मिनिमम पता होना चाहिए, तो वो निकालेंगे और फिर रेंज निकालेंगे डिफरेंस करके। फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। अब मीन निकालना है तो इन सबको प्लस डिवाइड में 7। ऑन हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। अब मीन रेनफॉल हमने जितना निकाल लिया, फिर देखेंगे कि उस मीन रेनफॉल से कम कितने दिन बारिश हुई है। तो चलिए करते हैं, समझ में तो आ ही गया होगा, और थोड़ी बहुत जो समझ में नहीं आई बात वो आप सॉल्यूशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। ओके, तो पहले मिनिमम निकाल लेते हैं या पहले मैक्सिमम निकाल लो। मिनिमम रेनफॉल वो है 0, 0 ही होगा और तो कोई है नहीं, 0 से छोटा और क्या होगा, 0.0, 0 से छोटा 0. और क्या होगा, नेगेटिव में तो जाता नहीं है, है ना, तो 0 ही होगा। अब मैक्सिमम, अगर नंबर की बात आती तो नेगेटिव नंबर आ सकता है, -1, -2, लेकिन अब ये जो नंबर है इसमें एग्जिस्ट नहीं करते कि भाई -1 रेनफॉल हुआ है ना। तो सबसे कम तो फिर यही रहा। मैक्सिमम रेनफॉल वो कितना है, 12 मान लेते हैं, सबसे बड़ी है, 12 के बाद अभी बड़ी है, अभी भी बड़ी है, अभी छोटी हो गई क्योंकि इन दोनों में कंपेयर करें तो ये बड़ी है। तो सबसे बड़ी हमने मान ली ये, इसके बाद ये ज़्यादा नंबर हो तो हम इसको ऐसे इस प्रकार से आगे तक बढ़ करके कर सकते हैं। बाकी इन सबको तो एक साथ हम व्यू देख पा रहे हैं, उसमें तो पता लग रहा है कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है 20.5। रेंज पूछ रखी थी हमसे, रेंज ऑफ द रेनफॉल इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। 20.5 माइनस 0.0 तो हमें यही नंबर मिल जाएगा। किसी भी नंबर में से 0 माइनस करें तो हमें वही नंबर मिलता है। तो 20.5 ही आपका क्या हुआ, रेंज का आंसर हुआ। अब नेक्स्ट मीन। मीन के लिए सम ऑफ रेनफॉल इन 7 days, नीचे आया टोटल
नंबर ऑफ डेज, सम ऑफ रेनफॉल इज 7 डेज 0.0, 12.2, 2.1, 0.0, 20.5, 5.5, 1.0। डेसिमल का के क्वेश्चन है तो हमें क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ डेज दे रखा 7, तो हमें ये कॉलम वैसे ही कर लेना चाहिए, गलती हो जाती है नहीं तो, ऐसे डेसिमल के नीचे डेसिमल रहना चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, ये बच्चे चेक कर लेते हैं। 0.0, 12.2, 2.1, 0.0, 20.5, 5.5, 1.0। डेसिमल के बाद हर एक में एक डिजिट है, 0, 2, 2, 1, 3, 5, 8, 5, 13, 1, 2, 1, 3, 5, 8, 5, 13, 1, 1, 2, 3, 2, 5, 5, 10, 1, 11, 1, again, 1, 2, 3, 2, 5, 5, 10, 1, 11, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 41.3। अब या तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, पॉइंटों में आएगा, अब कट रहा हो तो ये तो पूरा पूरा कट रहा है, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे डायरेक्ट काटे तो डायरेक्ट भी कट जाएगा, छोटी वैल्यू ज़्यादा बड़ी तो है नहीं। 7, 5, 35, आप डेसिमल के बाद ही डिजिट इस्तेमाल करेंगे, 35, 41 में से 35 गया, 6, 6, 3, 63, 7, 9, 63, तो 5.9 आपका आंसर हुआ। और यहाँ पे करके देख सकते हैं, 7, 5, 35, 11 माइनस 5, 6, डेसिमल इस्तेमाल किया, डेसिमल वाली डिजिट, तो यहाँ डेसिमल लगा दिया, 7, 9, 63, 5.9 mm, ठीक है। अच्छा, यूनिट जरूर लिख दीजिए आप, ये आंसर नंबर हमारा हुआ 2। एक हो गया, दो हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था कि कितने दिन रेनफॉल लेस हुई मीन रेनफॉल से, तो हमारी मीन रेनफॉल ये है, और अब हम निकालना चाहे कि कितने हैं, तो 5.9 से कम ये हैं, या ऊपर ही ऊपर तो हमने नहीं लिखा है, इसमें ही लिख रखा है, या यहाँ पे कर सकते हैं ताकि अलग सा ना दिखे कुछ। एक तो ये हो गया, ये ज़्यादा है 5.9 से, ये नहीं करेंगे, ये हो गया जो 5.9 से ज़्यादा कम है, हमें तो कम देखना है ना, मीन रेनफॉल से कम, ये भी 5.9 से कम है, और ये भी 5.9 से कम है, तो सिर्फ ये वाला और ये वाला ज़्यादा है, बाकी 5 दिन मीन रेनफॉल से कम ही बारिश हुई है। ऑन हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, हाउ मैनी पूछ रखा है, ऑन 5 डेज रेनफॉल वॉज लेस देन द मीन रेनफॉल, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, बाय।